सेकेंड वन वॉज एंड ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, द पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स वॉज एंडेड फॉर हिंदूज और फॉर द नॉन मुस्लिम्स. थर्डली, थर्ड वन इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वन, अबॉलिशन ऑफ जिजिया. अबॉलिशन ऑफ जिजिया. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मुगल राजपूत पॉलिसी. मुगल राजपूत पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स ए कॉर्नर स्टोन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर बिल्डिंग एक्सरसाइज दैट हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर. ठीक है, तो अकबर के टाइम पे जो होता है द मेजर चैलेंज वॉज, और वी हैव सीन सिंस द टाइम ऑफ टर्किश इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट दैट द राजपूताना रीजन वॉज द मोस्ट टमल्टस वन, इट वॉज द मोस्ट डिस्टर्ब्ड वन. एंड एनी फॉर एनी पावर हु इज सेटलिंग डाउन इन डेली और नियर बाय डेली लाइक आगरा, दे हैव टू पेसिफाई दिस एरिया, अदरवाइज देर वुड बी कॉन्स्टेंट बैटल, देर वुड बी पिच अप स्ट्रगल्स. सो फॉर एनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर एनी सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट दैट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर और लेटर ऑन ड्यूरिंग हिज सक्सेसर, to pacify the Rajputana was very much required. And Akbar, understanding the same, that kind of political acumen is there in the Akbar, that after defeating Afghans, the major power which is there stood in the way. Apart from the Afghans in the northwest, it was Rajputana only. And this winning this Rajputana was also required because to gain access to the seaport. This I am giving you an introduction before getting into an actual discussion. So to gain access to the seaport, अगर हमको गुजरात जाना है, सपोज दिस इज आगरा एंड इफ वी आर गोइंग टू गुजरात, देन वी हैव टू क्रॉस राजपूताना, दिस इज मालवा एंड समवेयर दिस इज दिल्ली, दिस इज नॉर्थ वेस्ट. ओके, so to cross, to gain access to Gujarat seaport, there existed certain trade routes, and to control over the routes towards Central Asia and towards Gujarat, we had to pacify these powers. See, it is similar to Ashokan ruler was doing. Ashoka was not trying to control Kalinga. It was happening since the time of Bimbisar. Since the time of Bimbisar, there were collective efforts of rulers to control Kalinga. Why Kalinga? Because Kalinga was an important seaport also. So to gain access to the trade routes,
to gain access to the sea routes. Only then any empire could flourish. पैसा तो चाहिए ना स्टेबल आर्मी के लिए, स्टेबल आर्मी के लिए, लार्ज ब्यूरोक्रेसी के लिए, एंड फॉर पर्सनल अपनी लग्जरीज के लिए. ओके, सो दिस सेम थिंग सेम अप्लाइज ऑन अकबर एज वेल. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ अकबर्स प्रैग्मेटिक पॉलिसी. इट वॉज अकबर्स प्रैग्मेटिक पॉलिसी. इट वॉज अ प्रैक्टिकल पॉलिट इट वॉज अ प्रैक्टिकल पॉलिसी. इट वॉज अ पॉलिटिकल अक्यूमेन ऑन द पार्ट ऑफ अकबर. इनफैक्ट इट एज थिंग्स टर्न आउट टू बी इट प्रूव्ड ए मास्टर स्ट्रोक इन द एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफ अकबर ऑफ मुगल्स. ओके, सो सच ए लार्ज एम्पायर एंड बट द मूट के क्वेश्चन रिमेन हाउ टू बी फ्रेंड दीज राजपूत हु हैव टेंडेंसी टू फाइट हु आर कॉन्स्टेंटली वॉरिंग अगेंस्ट देम सेल्व्स. सो अकबर टुक आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सोसाइटी ऑल्सो, दैट इज हैविंग मैट्रिमोनियल अलाउंसेस. मैट्रिमोनियल अलाइंसेस थ्रू मैट्रिमोनियल अलाइंसेस थ्रू डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग थ्रू डिप्लोमैटिक मैन्यूवरिंग अकबर गॉट टू यूनाइट दिस एरिया पीसफुली और ट्राइड टू सब्जुगेट. अकबर डिड नॉट वॉन्ट दैट दिस एरिया कम अंडर देयर कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल. अकबर वॉन्ट ओनली वॉन्टेड टू सब्जुगेट दैम कि भैया हमारे साथ मैट्रीमोनियल वो एस्टेब्लिश करो, ज्वाइन अवर ब्यूरोक्रेसी, वर्क अंडर मी एंड बी लॉयल टू मी, एंड दैट इज वॉट विच इज गोइंग टू हैपन. अकबर वॉज मार्केडली सक्सेसफुल इन इस राजपूत पॉलिसी, एंड दैट इज वाई दिस राजपूत पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट्स कॉर्नर स्टोन ऑफ द एम्पायर बिल्डिंग, एंटायर एम्पायर बिल्डिंग एक्सरसाइज ऑफ मुगल एम्पायर. एंड मुगल एम्पायर इन द कंटिन्यूएंस ऑफ मुगल एम्पायर वी सी as we see later on the follies of Aurangzeb that he disturbed this relationship, he disturbed this the hand of friendship or the confidence which was there in Rajputs for the Mughals. He lost that respect. And that is going to have very serious consequences for him, for the empire as well, after his death in 1707. Okay, so before going into Aurangzeb, we will discuss Akbar's Rajput policy. So before Akbar, it was not a novel measure. Those powers who were there in Delhi earlier, there during Delhi Sultanate, Delhi Sultanate, Alauddin Khalji did this. Alauddin Khalji, he tried this. He tried to postulate an active alliance with the autonomous rajas of Deogir. Deogir. He in fact came in matrimonial alliances with rajas of Deogir. Okay, so already efforts Akbar has history to look at. Akbar could see what is happening. Akbar was clever enough.
अकबर कुड एज ए पॉलिटिकल स्टेट्समैन ही कुड सी द बेनिफिट्स ऑफ बी फ्रेंडिंग राजपूत्स. सो इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन सम क्वार्टर्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट इज ए पार्ट ऑफ अकबर्स लिबरल रिलीजियस आउटलुक. अकबर्स रिलीजियस आउटलुक वॉज, इफ वी डिस्कस अकबर्स रिलीजियस रिलीजियस आउटलुक वॉज लिबरल, अनलाइक औरंगजेब विच वॉज कंजर्वेटिव. सो लिबरल आउटलुक कहाँ से आएगा? लिबरल आउटलुक कहाँ से आएगा? लिबरल आउटलुक आएगा फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ सुलय कुल. सुलय इक्वल विच मीन्स पीस एंड फ्रेंडशिप विद ऑल. पीस एंड फ्रेंडशिप विद ऑल. And this policy of Sulai Kul, there might be a question on this. Remember, what is Sulai Kul? How Sulai Kul helped Akbar in consolidating his empire? There might be a question. There might be a question in prelims. There might be a question in mains. So this Sulai Kul policy was derived from Ibn al-Arabi's वहादत अल वजूद. बस ये दो वर्ड याद करने हैं मेंस में क्योंकि इंपैक्ट अच्छा रहेगा. वहादत अल वजूद और एनसीईआरटी में भी डिस्कस दिस हैज बीन डिस्कस. सो एनसीईआरटी के वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना, एनसीईआरटी के टर्म्स. सो इट इज नॉट दैट आउट ऑफ द ब्लूज और आउट ऑफ माई स्ट्रॉन्ग नॉलेज विद मिडीवल हिस्ट्री आई एम सजेस्टिंग दिस. सो दिस इज देयर इन एनसीईआरटी ऑल्सो. इब्न अल अरबीज वहादत अल वजूद दैट मीन्स यूनिटी ऑफ बींग. यूनिटी ऑफ बींग मीन्स एवरी वन इज बॉर्न एंड इक्वल, सब सेम है. एंड वॉट इज सुलह कुल? पीस एंड फ्रेंडशिप. सो अकबर का वी आर सीइंग वॉट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ राजपूत पॉलिसी. वी हैव सीन द पॉलिटिकल एक्यूमेन वाई ही इज बी फ्रेंडिंग दैम. सेकेंडली टू गेन एक्सेस टू द सी रूट्स. थर्डली ही हैज हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर दैट, हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन फॉर दैट. देन हिज ओन रिलीजियस व्यू विच वॉज लिबरल. ओके सो ही ट्राई टू यूनिफाई डाइवर्स एलिमेंट्स, डाइवर्स वॉरिंग एलिमेंट्स और डिस्परेट एलिमेंट्स टू मेक हिज एम्पायर लार्जेस्ट एम्पायर. बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम देर वर अदर एम्पायर्स एज वेल. देर वॉज ए सफाविद एम्पायर इन ईरान एंड देर वॉज ए ऑटोमन्स. ऑटोमन्स वर देयर इन टर्की. ओके सो द थर्ड एम्पायर ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज मुगल एम्पायर. फोर्थ वन वॉज देयर इन चाइना, किंग डायनेस्टी इन चाइना, चिंग डायनेस्टी इन चाइना. ओके सो दिस वॉज द थर्ड एम्पायर. सो ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट अकबर इज ट्राइंग टू अकबर इज सिंस द टाइम ऑफ बाबर दे वर कन्विंस्ड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट और टू कार्व आउट एनी एम्पायर इन द एरिया बियॉन्ड बल्ख और एरिया बियॉन्ड नॉर्थ वेस्ट. ओके
सो दे आर हैप्पी एंड कंटेंटेड विद इंडिया ओनली आफ्टर द डिफीट ऑफ राणा सांगा बाबा डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया एंड हिज सक्सेसर्स दे कीप ऑन कॉन्करिंग एंड कंसोलिडेटिंग देयर कॉन्क्वेस्ट टिल द डेकन एंड टिल द साउथ ओके इन द डेकन पॉलिसी ऑफ मुगल्स वी विल सी दैट दैट इज अ सेपरेट सेक्शन सो अकबर्स राजपूत पॉलिसी इट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस इट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस इसके तीन फेज हैं पहला फेज है 1562 टू 1572 62 टू 1572 सेकेंड फेज इज फ्रॉम 1572 टू 73 थर्ड थर्ड फेज इज फ्रॉम 1573 टू 1577 77 एंड द थर्ड फेज इज फ्रॉम 1578 टिल द डेथ ऑफ अकबर 1605 ओके दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी इन एवरी दीज इन ईच पर्टिकुलर फेज अकबर विल इंट्रोड्यूस सर्टेन मेजर्स विल इंट्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स सर्टेन डेवलपमेंट्स वुड बी इंट्रोड्यूस विच शोज द सॉलिडारिटी और द स्पिरिट ऑफ बी फ्रेंडिंग और द सक्सेस ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी इन बिल्डिंग अप द एम्पायर और इन डिफेंडिंग द एम्पायर विद द हेल्प ऑफ राजपूत्स बिकॉज दे हैव गेन ट्रस्ट ऑफ द राजपूत्स दे हैव गेन न्यू एलीज यू मस्ट फाइंड इट वंडरफुल दैट द रूलर्स वर मुस्लिम्स एंड देयर लॉयल सपोर्टर्स द लॉयल सपोर्टर्स हु आर देयर टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ हु आर इवन फाउंडिंग देयर हु आर इवन फाइंडिंग देयर फ्रेंड एज मुस्लिम्स हु आर फाइटिंग देयर co-religionist with other religion those who are having other religion एक राजपूत मनसबदार अगर राणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई if they are fighting for it then it obviously means they are fighting their co-religionist their राजपूत भाई But they are fighting for Akbar. Such is the loyalty. Okay? When Akbar was sending Bhagwan Das to Kabul, then you see that Afghans, they are Muslims, and Mughals, they are Muslims. But the Hindu was fighting for a Muslim. Against a Muslim. So the concepts or the words, choice of words like Dushman-e-Din means anyone who is against your state. Okay. So first phase was from 1562 to 72, and during this phase he took out certain liberal measures certain liberal measures and these liberal measures were firstly don't convert
prisoners of war to Islam, don't convert prisoners of war to Islam. Second one was end of pilgrimage tax. The pilgrimage tax, pilgrimage tax was ended for Hindus or for the non-Muslims. Thirdly, third one is a very controversial one. Abolition of jizya. Abolition of jizya. See, in the Islamic tradition, what was practiced, that whenever there is a Muslim state, then that Muslim state has got certain obligations, and one of that obligation is protection of non-Muslims. And those non-Muslims, they are known as jimmis. Jimmis, yahan pe jimmi kaun hai? Hindu jimmi hai. So to protect those jimmis, in lieu of this service, they used to deduct a certain, they used to charge a very small percentage of tax. So that tax is known as jizya tax. So that jizya was abolished by Akbar, but it was imposed by a conservative ruler, Aurangzeb. Okay. Although it did not impact much Hindus, and later on also Bahadur Shah, the ruler who came after Aurangzeb, he re-abolished jizya, but jizya had an insignificant impact. But that is most to the importance of jizya lies in a kind of discrimination between those who are the followers or those who are not the followers. Okay. So, first phase, in the beginning of alliances happened with matrimonial alliances. Akbar married Harka Bhai, not Jodha Bhai, Harka Bhai, daughter of Raja Bharmal of Amber, daughter of Raja Bharmal of Amber. तो बिगिनिंग किस चीज से हो रही है? मैट्रिमोनियल अलायंसेस से हो रही है. एंड व्हाई मैट्रिमोनियल अलायंसेस से हो रही है? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन अ फ्यूडल सोसाइटी यू हैव टू गिव द लॉर्ड इज गिविंग यू लैंड सो इन रिटर्न यू हैव टू गिव सर्टेन सर्विसेज यू हैव टू प्रोवाइड योर आर्मी. You have to give your daughter, and you have to prepare, you have to provide annuary salutation. On annual basis, you are supposed to be in the court of the greater lord and paying respect and obedience to the ruler. Okay. So it was a feudalized society. Basically, Rajput was a feudalized society. So whenever they were subjugated, they used to gifted their daughters. So when Akbar subjugated them, so Bharmal, he married his daughter Harka Bhai to Akbar. It was a mark of bond, that a bond would increase, and it was a marker of
submission and loyalty towards Akbar. So it was also seen as an incorporation of Rajput people in the Mughal society. Okay. So why they were introducing Rajputs in there? We have seen several reasons, but there must be some reasons inside the court as well, inside the mind of ruler as well. See, in the court of since the time of the Delhi Sultanate, there were two factions, Irani and Turani. Iranis were those who were from Iran, and Turanis were those who were from Khurasan and other nearby areas. They were Shias, they were Sunnis. So Turani nobles, their groups was dominant. So to counterpoise their impact, some new element was needed. So that is one of the reason that Rajputs were added in the Mansabdari system. What is Mansabdari system? We are coming up to that. Okay, Mansabdari system is a kind of a bureaucracy which Akbar created. And Mansabdar, when we call somebody's Mansabdar, that implies his rank. That implies his rank and number of horses or horsemen he is supposed to maintain. Okay, lekin isko paisa kahan se milega? Isko paisa milega jagir se. इसको पैसा कैश नहीं दिया जाएगा. मनसबदार वुड नॉट बी पे इन कैश. मनसबदार वुड गेट ए जागीर. मनसबदार वुड गेट ए जागीर एंड राजपूत मनसबदार वुड गेट ए जागीर इन देयर ओन होमलैंड एंड दिस इज नोन एज वतन जागीर. वतन जागीर बिकॉज इट इज इन देयर वतन. So, to offset the impact of Turanis, it was needed. So, Akbar had so much trust on Rajputs that when he left for Gujarat, he left Agra in the hands of Bharmal. इतना ट्रस्ट हो गया था कि आगरा छोड़ के गुजरात जा रहे हैं, सोचो. एंड इन केस सम ट्रेचरस पर्सन इज देयर, सम ट्रेटर इज देयर, इट माइट हैव बीन वेरी इजी टू कॉन्कर आगरा व्हेन द मेन एम्परर इज सो मच अवे ड्यूरिंग दोज टाइम. ऐसा नहीं हुआ कि एक फ्लाइट पकड़ी और वापस आ गए. ड्यूरिंग दोज डेज इट टू पूरा कारवां चलता था कैमल्स का. पैदल सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, आर्मी होती थी. द एंटायर कारवां टुक हेल लॉट ऑफ नंबर ऑफ डेज. ओके. एंड अकबर वॉज, आई टोल्ड यू दैट ही वॉज ही हैड डीप ट्रस्ट. And Rajputs, they had deep loyalty towards Akbar. Akbar even allowed his Hindu wife to follow their own religion. They could celebrate their festivals. So such was the syncretic tradition which was getting developed under Akbar. Ek liberal ruler hoga to yahi hoga na. अकबर अशोक के टाइम पे क्या होता है? अशोक के टाइम पे भी यही होता है. देर वर डिफरेंट ग्रुप्स. सो टू कम्पेसिफाई दोज ग्रुप्स, टू कम्बाइंड दोज ग्रुप्स, ही गॉट दोज पिलर्स, अशोकन पिलर्स इंस्टॉल्ड अलोंग विद द मैसेज दैट द रूलर लव यू ऑल. And on certain days this should happen, certain days this should not happen. So
दैट वॉज अ काइंड ऑफ प्रेजेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल. इट क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. इट क्रिएट ए सेंस ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स द लैंड अमंग द पीपल. काइंड ऑफ लॉयल्टी इज जनरेटेड. ओके, वेन एवर यू फाइंड दैट योर प्लेस ऑफ वर्शिप वुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द रूलर जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अदर रिलीजन, इट क्रिएट ए काइंड ऑफ लॉयल्टी. इट क्रिएट एंड दैट हैपन ड्यूरिंग अकबर. ऑल्दो ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, इफ वी कंसिडर्ड एम अतरली इज ए हिस्टोरियन, he has written that maximum number of Hindu mansabdars were there during Aurangzeb, but that liberal atmosphere has gone by that time. Okay, so following after the defeat of Chittor in 1568, most of the leading powers of Rajputana, they have accepted Akbar's suzerainty and they are personally paying homage to Akbar. They have become, in 1570, for example, the Bikaner ruler Rai Kalyanmal, he submitted to Akbar and gave his daughter in the marriage. So similar thing was done by ruler of Jaisalmer. So we are seeing that Bikaner and Jaisalmer wale bhi wahi kar rahe hain. So by this time, except Mewar, most of the Rajput states, either they have mentioned matrimonial alliances, rishtedari bana liye, ya they have lent their hand of friendship towards Akbar. Okay, so now second phase begins. Second phase. Second phase. So second phase during the second phase, during the Gujarat campaign, first time Rajput army fought with Mughal army. So from this time from a loyal supporters or loyal allies, they became sword arm of the empire. Earlier they were loyal allies. Now, in the second phase, they have become sword arms of empire, जिन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है लड़ने के लिए, ठीक है? Sword arm of empire. Like in 1576, we have seen that Man Singh was appointed to lead Mughal army against Rana Pratap. I told you that the same religionist, core religionist, was fighting. What is interesting? So this was happening. So now come to third phase. In 1578, what happened? In 1578, Ibadat Khana was established. Ibadat Khana. Ibadat Khana was established. Ibadat Khana mein kya hota tha? Ki Ibadat Khana mein all from different religions people were invited and they held religious discourse over their religions. So Akbar tried that Akbar
अकबर ट्राइड टू नो एवरी बिकॉज अकबर वॉज ए इलिटरेट. सो अकबर ट्राइड टू नो वॉट इज रिटन देयर इन द क्रिश्चियनिटी, वॉट इज रिटन देयर इन द सिखिज्म. सो ही ट्राइड टू नो एवरी थिंग, बट वॉट ही फाउंड दैट देयर एग्जिस्ट ए काइंड ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द रिलीजन्स. एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट दैट हम सही हैं, हम सही है. तो इन अकबर वॉज टू अकबर डिक्लेयर महजर डिक्लेयर हिमसेल्फ एज ए महजर, महजर विच मीन्स दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट और कन्फ्यूज ऑफ एनी रिलीजियस सॉर्ट, देन द वर्ड्स और द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एम्परर वर फाइनल. ओके, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, फाइनली जो एम्परर ने बादशाह ने बोल दिया वही माना जाएगा. ओके, सो दिस वॉज मेजर. ओके, सो थर्ड फेज. सो ड्यूरिंग द थर्ड फेज इम्पॉर्टेंट कैंपेन वॉज टुवर्ड्स काबुल. इसमें तो गुजरात कैंपेन होता है, लेकिन इसमें काबुल में कैंपेन होता है, एंड अगेंस्ट अगेंस्ट अफगान्स. एंड ड्यूरिंग दिस एक्चुअली दे हैव रिबेल्ड इन काबुल एंड नॉर्थ वेस्ट. देर वॉज ए काइंड ऑफ रिबिलियन. सो हेयर ऑल्सो टू क्वेल द रिबिलियन भगवान दास एंड मानसिंह वर डिप्यूटेड. भगवान दास एंड मानसिंह वर डिप्यूटेड. रिमेंबर दीज नेम्स. मानसिंह वॉज ऑल्सो डिप्यूटेड अगेंस्ट राणा प्रताप इन वॉर अगेंस्ट चित्तौड़. ओके, सो लेटर सो ही अपॉइंटेड भगवान दास एज गवर्नर ऑफ लाहौर. सो ही गवर्नर गवर्नर मीन्स सिंस 1580 वॉट अकबर हैज इंट्रोड्यूस वॉज सूबा सिस्टम. सूबा सिस्टम, सूबा मीन्स प्रोविंस, सूबा मीन्स प्रोविंस. सो हेयर गवर्नर्स वर अपॉइंटेड एंड द काबुल गवर्नर वॉज भगवान दास. सो हिज रिलेशंस वर फर्दर स्ट्रेंथन्ड व्हेन सलीम वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ भगवान दास इन 1583. सलीम वॉज मैरिड टू हिज डॉटर भगवान दास इन 1583. सो सलीम्स मैरिज विथ जगत गोसाई, द नेम ऑफ द डॉटर, नेम ऑफ भगवान दास डॉटर वॉज जगत गोसाई. जगत गोसाई इट फर्दर स्ट्रेंथन्ड द रिलेशन विद द भगवान दास विद द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ ए एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टी के साथ में दे हैड गॉट गुड रिलेशन. ओके, सो इन 1585 एंड 86 वी सी दैट इन 1585 एंड 86 राजपूत्स वर अपॉइंटेड एज जॉइंट गवर्नर्स ऑफ लाहौर, काबुल, आगरा, अजमेर, एंड मानसिंह एंड भगवान दास अगेन दे वर अपॉइंटेड एज स्ट्रेटजिक गवर्नर ऑफ ए स्ट्रेटजिक प्लेस सच एज काबुल. लेटर दे वर प्लेस्ड फ्रॉम काबुल,
दे हैव गॉन टू बंगाल एंड बिहार. सो वी सी दैट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट यू कैन साइट फ्यू एग्जाम्पल्स व्हाइल यू राइट. सो एंड दे वर गिवन गुड मनसब्स ऑफ अराउंड 7,000. भगवान दास एंड मान सिंह 7,000 मनसब सबसे ऊंचा मनसब होता था जो रॉयल प्रिंसेस के रॉयल ब्लड के लो इससे ऊपर होता था 10,000 का मनसब. बस सेवन सेवन दोज हु आर नॉट फ्रॉम रॉयल ब्लड देवर इफ दे आर गिवन 7,000 इट मीन्स समथिंग. ओके सो दिस अलायंस वॉज आई मस्ट से दैट इट वॉज अ म्यूचुअल बेनिफिट. इट वॉज बिकॉज मुगल्स दे हैव गॉट ब्रेवेस्ट वॉरियर इन इंडिया एंड द सपोर्ट एंड लॉयल्टी वुड गो ए लॉन्ग वे इन कंसॉलिडेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर. दिस अलायंस ऑल्सो एंश्योर्ड पीस इन राजस्थान. आई टोल्ड यू दैट देयर आर फ्यू रेसेस और एथनिक ग्रुप हु आर ऑलवेज एंगेज इन वॉर्स. फॉर राजपूत वॉर वॉज ए स्पोर्ट. सो दे वर ऑलवेज वॉरिंग लाइक अफगान्स दे आर ऑलवेज वॉरिंग अगेंस्ट देम सेल्फ. इन द सिमिलर मैनर राजपूताना वॉज ऑलवेज इन ए डिस्टर्ब्ड स्टेट बिकॉज ऑफ राजपूत बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग. बट नाउ वॉट अकबर डिड अकबर वॉज हैविंग देयर सर्विस एंड प्लेसिंग दैम इन काबुल और समवेयर एल्स कि यहाँ लड़ो अब मेरे लिए लड़ो तुम. ओके एंड आई विल गिव यू रिस्पेक्ट आई विल गिव यू सर्विस इन द रॉयल अथॉरिटी इन द रॉयल रैंक एंड फाइल यू विल वेर यू विल गिवन मोर रिस्पेक्ट. ओके सो सो दिस ऑल्सो गेव दैम ए काइंड ऑफ ऑटोनमी. दिस ऑल्सो गेव द राजपूत ए काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइट फॉर सक्सेशन. सक्सेशन को लेकर बहुत लड़ाई होती थी कि ये नहीं गद्दी पे बैठेगा ये नहीं बैठेगा. बट अब एम्परर है ऊपर टू डिसाइड कि नहीं इसका बेटा है इसका बेटा ये है तो यही सही है. ओके सो द बैटल फॉर सक्सेशन इट नाउ गॉट सेटल. सो इन ए वे राजपूताना इट द पीस ऑफ राजपूताना वॉज रिस्टोर्ड बाय अकबर थ्रू हिज राजपूत पॉलिसी. एंड दिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन टर्न gave a respite and relief for Agra, the seat of Mughals for Agra. So it gave respite and relief for Agra so that they could consolidate and further expand themselves. Okay. So this was all about Akbar's Rajput policy. Now coming to Jahangir's. राजपूत पॉलिसी. जहांगीर राजपूत पॉलिसी. द मेजर अचीवमेंट ऑफ जहांगीर राजपूत पॉलिसी वॉज ए पैचअप. ही हैड ए पैचअप विद मेवाड़ इन 1613. मेवाड़ के साथ में हमने वी हैव सीन दैट अकबर वॉज एट ए कॉन्स्टेंट वॉर. राणा प्रताप वॉज नॉट गोइंग टू बो डाउन बट हिज सन उदय सिंह ही हैड दिस ही जॉइन हैंड विद हैंड्स विद जहांगीर एंड जहांगीर वॉज सक्सेसफुल इन होल्डिंग हिज हैंड. एंड दिस पैचअप दिस फ्रेंडली जेस्चर ऑफ जहांगीर सेव्ड मुगल फ्रॉम ए परमानेंट एनिमी. ओके
सो ही कंटिन्यूड जहांगीर इन अ वे कंटिन्यूड अकबर्स लेगेसी और अकबर्स पॉलिसी ऑफ गिविंग फेवर्स टू द लीडिंग राजपूत राजास एंड एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस. शाहजहां ही ऑल्सो मेंटेन्ड शाहजहां ही ऑल्सो मेंटेन्ड रफली ही ऑल्सो रिमेन्ड इट अनटच्ड. ही डिड नॉट डिस्टर्ब राजपूत कंटिंजेंट्स वेयर दे वर. ही डिड नॉट मेड ए डिस्टिंक्शन. राजपूत कंटिंजेंट्स दे कंटिन्यू टू सर्व इवन इन द डिस्टेंट एरियाज सच एज डेक्कन. डेक्कन क्योंकि अब तो आफ्टर अकबर्स एंक्रोच इन अहमदनगर देन देर वॉज सीरीज ऑफ मुगल इंकर्जेंस इन डेक्कन एंड वी विल सी बाय द टाइम ऑफ औरंगजेब एंटायर डेक्कन केम अंडर द एक्सेप्ट द मराठास इट केम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुगल्स. सो ड्यूरिंग शाहजहां दे वर एक्टिवली एंगेज इन डेक्कन. इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर एंगेज इन द कैंपेन इन द बल्ख इन सेंट्रल एशिया एंड मोस्टली इन कंधार. सो दे रिमेन पार्टनर्स ऑफ द एम्पायर. पार्टनर्स ऑफ द एम्पायर. ओके मैनी राजपूत राजाज देवर अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस. ऑल दो नथिंग ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस काइंड ऑफ वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां. क्योंकि अब शाहजहां तो ईमानदार आदमी थे. अब उनका मुमताज महल को ही अच्छी लगती थी तो मतलब मुमताज महल के साथ ही ही विल बी कंटेंटेड विद. ओके सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मल्टी मैरिजेस. सो ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस बट ही स्टिल गेव गवर्नरशिप टू द प्रोमिनेंट फैमिलीज ऑफ राजपूत एंड ही ऑल्सो गेव गुड मनसब्स ऑफ 7,000 टू द प्रोमिनेंट राजपूत फैमिलीज सच एज जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ नाउ कम औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी. सी व्हाइल वी सी दैट द अकबर्स राजपूत पॉलिसी वॉज ए फॉर्मेटिव फेज ऑफ ए एली वी इन द सिमिलर मैनर वी सी दैट ए फ्रेंड इज गोइंग और द एंड ऑफ अलायंसेज विद द राजपूत एट द टाइम ऑफ औरंगजेब. सो औरंगजेब हैड ए काइंड ऑफ कंजर्वेटिव एटीट्यूड. सो ड्यू टू हिज कंजर्वेटिव एटीट्यूड ही अर्नड द रैथ ऑफ मैनी राजपूत फैमिलीज. फॉर एग्जाम्पल आई द एग्जाम्पल आई गेव यू जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़. सो व्हेन जसवंत सिंह डाइड जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ डाइड सो हिज सन अजीत सिंह वॉज बॉर्न. बट औरंगजेब वॉन्टेड दैट समबडी एल्स शुड कम टू द थ्रोन. सो दिस वॉज रेसिस्टेड बाय द राठौर फैमिली एंड द एंटायर दिस एंटायर थिंग्स बिकम्स वेरी मर्कियर. एंड ड्यू टू हिज एटीट्यूड औरंगजेब ही मेड
बोथ मारवाड़ एंड मेवाड़ हिज आर्च एनिमीज, मारवाड़ एंड मेवाड़ एज आर्च एनिमीज, मारवाड़ एंड मेवाड़। सो हिज पॉलिसी ब्रॉट डिड नॉट ब्रॉट एनी एडवांटेज, एनी काइंड ऑफ एडवांटेज टू द मुगल। इंस्टेड इट एंडेड एज ए फेलियर एंड इट ऑल्सो डैमेज मुगल्स मिलिट्री प्रेस्टीज, बिकॉज इन देयर फाइट अगेंस्ट डेक्कन, इन देयर फाइट अगेंस्ट मराठा, दे नीडेड ए लॉयल सपोर्ट ऑफ राजपूत। बट At the crucial moment, Aurangzeb was making such a big folly of instead of befriending, he was making entire Rajputana his enemy. So if Rajputana has gone, then it was very easy, and that we see that. The fall of empire, Mughal empire, came out very soon after 1707, after the death of Aurangzeb. Deccan to jeet liya, but north mein kya hua? North Indian, north condition in North India became very tumultuous. It became very difficult to control. So, breach with Marwad and Mewad weakened the Mughal alliances with Rajputs at a crucial period, and above all, it created doubts about the firmness of Mughal support to the old and trusted allies, and the ulterior motives of Aurangzeb, they become clear. So, thus, it can be seen that Aurangzeb reversed his predecessor's policy of coexistence and tolerance. He reversed the policy of coexistence and tolerance. That policy has gone. Though certain historians, they attribute this change in policy as a change of times, but it cannot be denied that Aurangzeb failed to be a far-sighted ruler. Whatever may be the justification, but Aurangzeb had lost his farsight. The policy of Akbar helped Mughals. This we have seen in carving out a big empire, in consolidating a big empire, and this policy was continued successfully under his successors, Jahangir and Shahjahan, but it got reversed by Aurangzeb due to certain of lack of political acumen, lack of farsightedness, or lack of liberal attitude, or more conservative attitude, or maybe he was thinking that Deccan to aa hi gaya hai, but Deccan aate hi haath mein North India to chhoot gaya hai. North India to gaya. Rajputana gaya hai, to North India gaya. So, that was this question has been asked several times, that Aurangzeb reversed what Akbar did. So this is all about Mughal Rajput policy, and it's an important question from mains point of view and prelims point of view also. So I wish you good luck for future. This is all about Rajput policy of Mughals.